स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान में। तो दोस्तों, अगर आपका YouTube चैनल है और अगर आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं YouTube पर, तो ऐसे में होता क्या होगा, आप जब अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो चाहे किसी भी टाइप की हो, आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखना पड़ता है, जिससे आपकी वीडियो को वायरल होने या रैंक करने में काफी आसानी होती है। तो ऐसे में होता क्या है दोस्तों, जब आप अपनी वीडियो कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है अपनी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन लिखने में, कि आप अपना डिस्क्रिप्शन कैसे लिखे और क्या लिखे डिस्क्रिप्शन, और कितना बड़ा या छोटा आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में होता क्या, जब आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो अपलोड होने में कुछ प्रोसेसिंग का टाइम लगता है, तो आपको उस प्रोसेस होने से पहले अपनी वीडियो में जो टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन पूरा अच्छे से लिख के, अपनी वीडियो में थंबनेल ऐड करके बढ़िया से, तब उसको अपनी वीडियो को अपलोड करना चाहिए, वो भी प्रोसेस होने से पहले। पर दोस्तों, आप ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि आप जब अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो काफी बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसमें कॉपीराइट एक्ट के बारे में बताते हैं या फिर और भी तरह तरह की अपनी ईमेल आईडी बार बार ऐड करते होंगे अपनी हर नई वीडियो अपलोड करते वक्त। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसे सिर्फ एक ही बार आपको लिखना पड़ेगा, आपको बार बार डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना पड़ेगा। आप सिर्फ एक बार डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अपना अच्छे से, और जब भी आप अपनी वीडियो अपलोड करने लगेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन आपकी वीडियो में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको टाइटल्स और टैग्स चेंज करने पड़ेंगे जब आप नई वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपको नई वीडियो में करना ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको उस वीडियो में पूरा बताऊंगा, तो वीडियो स्किप मत कीजिए बिल्कुल भी, वीडियो एंड तक देखिए। और अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए, और घंटे दबाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जानकारी दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है। जब अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। उसके बाद आपको यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा youtube.com, और आप यूट्यूब पर ऐसे में आ जाएंगे। तो उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पर देखिए जो थ्री डॉट्स बनाता है, आपको इस पर टैप कीजिए और यहाँ पे आ जाइए माय चैनल पे। देखिए दोस्तों, अपने माय चैनल पे आ जाते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। इसके बाद दोस्तों, आपको जो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे ऊपर, वीडियो मैनेजर, आप वीडियो मैनेजर में चले जाइए। ये देखिए दोस्तों, हम वीडियो मैनेजर में आ चुके हैं। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको देखिए ध्यान से, आपको जो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है चैनल्स का, तो आप चैनल पे आ जाइए। चैनल पे आने के बाद दोस्तों, आपको थोड़ा से वेट करेगा और प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद अपने चैनल के इंटरफेस पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपके चैनल का होम पेज होता है। तो अब इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए, आपको जो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अपलोड डिफॉल्ट्स, तो आपको यहीं पर करना है देखिए, तो आपको इसी पर टैप करना है। देखिए दोस्तों, आप टैप कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ऐसा पेज खुलेगा। तो आपको अब इसमें करना क्या दोस्तों, आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिखा पड़ा आपके डिस्क्रिप्शन की तरह बिल्कुल ये होता है। तो आपको इसमें करना क्या है, जो यहाँ पे आपको जो वीडियो अपलोड करनी है पब्लिक में या प्राइवेट में, आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लिए जो भी आपको होता है। जैसे मुझे अभी प्राइवेट में एक वीडियो अपलोड करके आपको दिखाऊंगा, मैंने प्राइवेट सिलेक्ट कर लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस सब कुछ सही है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, अपना वीडियो को एक टाइटल देंगे। जैसे आप जो भी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको टाइटल देना पड़ेगा, और ये आपको अपनी हर वीडियो में जरूर बदलना पड़ेगा, नहीं तो आपको हर वीडियो में सेम टाइटल दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इंट्रो लिख देता हूँ अपनी, जब ये इंट्रो अपलोड करूँगा टेक्नोलॉजी ज्ञान इंस्टाग्राम, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद करना क्या होगा, आपको यहाँ पे अपना जो डिस्क्रिप्शन है आप जैसे लिखना चाहें बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे आप अपने यूट्यूब वीडियो में शो कराना चाहते हैं वैसे अपना डिस्क्रिप्शन पूरा अच्छे से लिख दीजिए। जहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे इंट्रो, तो ऐसे आप अपना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बिल्कुल जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ है, तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से अपना हैशटैग वगैरह डाल के बिल्कुल यहाँ पे देखिए ऐसे हैशटैग डाल दीजिए पूरा इस तरीके से, और अपने जो सारे सोशल मीडिया के लिंक वगैरह इसमें अच्छे से फिल कर दीजिए, और नीचे यहाँ पे आपने जो क्वेरीज सॉल्व करी होंगी वो भी डाल दीजिएगा, या फिर कुछ भी आपने बदले यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखा क्वेरीज सॉल्व, तो आप भी प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे कुछ लिख के कर दीजिएगा, और यहाँ नीचे हैशटैग दे दीजिएगा, फिर नीचे थैंक्स फॉर वॉचिंग ऐसे कुछ भी लिख दीजिएगा। और ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक मिल जाता है ऑप्शन यहाँ पे देखिए टैग्स का, तो आपको टैग्स इसमें लिखने हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा पड़ा है, तो आपको इसमें ऐसे टैग्स लिखने हैं जो भी जिस टाइप की आपकी वीडियो जो भी वीडियो आपने बनाई है वो जिस भी कैटेगरी की होगी, आपको उसी के हिसाब से जो आप टैग्स लिखते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में
तो आपको वही सारे टैग्स यहाँ पे लिखने हैं। तो आप यहाँ पे अपने टैग्स लिख दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट्रो या और कुछ भी, मैं ऐसे कुछ भी डाल देता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान। तो देखिए दोस्तों आपको ऐसे टैग्स देने, फिलहाल मैं 2-3 दे देता हूँ ऐसे ही, तो आप भी कुछ भी दे दीजिएगा ऐसे दो, अभी जब तक जब आप अपना अपलोड करें तो बढ़िया से टैग्स दीजिएगा। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कर दिया और कमेंट्स मैंने सारे अलाउ कर दिए हैं, सब कुछ मैंने हिंदी इंग्लिश सब कुछ सेलेक्ट कर रखा है। अब आपको करना क्या, देखिए तो यहाँ पे आप अच्छे डिस्क्रिप्शन और टैग्स अच्छे से दे दीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे सेव करना है, ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है सेव का, ये आपको इस पर टैप करके सेव कर लेना है। तो देखिए दोस्तों ऊपर लिखा हुआ आ चुका है योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड, मतलब हमारे जो सारे चेंजेस है सेव हो चुके हैं। आपको करना क्या दोस्तों, आपको करना क्या है, अब जब भी आप अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे भी मुझे वीडियो अपलोड करनी नहीं फिर मैं आपको दिखाने के लिए एक वीडियो छोटी सी अपलोड कर देता हूँ। तो अब आपको करना क्या है, जब अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो देखिए अपलोड पे हम गए, ये देखिए हम आगे अपलोड पे, अब यहाँ पे हम ये देखिए पहले से आ चुके, यहाँ पे वीडियो जो हमने डाला था प्राइवेट में वहाँ पे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे प्राइवेट में आ गया। अब अपलोड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपनी एक इंट्रो अपना कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं, अभी देखते हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों हमें एक इंट्रो मिल गया, तो हम इसे अपलोड कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे जितने भी वो हमने वहाँ पे लिखे थे सब कुछ, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो चुके हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था इंट्रो और 3 टैग्स दिए थे, टैग्स भी अपने आप आ गए। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिप्शन था वो ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है, तो फिलहाल मुझे अपलोड नहीं करना तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपना जो डिस्क्रिप्शन है बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, तो आप भी अपना डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे आपको कैसे इसमें वर्क करना है, तो आप भी अपनी वीडियोस में ऐसे इस्तेमाल कीजिएगा इस तरीके का, और बहुत अच्छा तरीका है। और अगर आप ऐसे YouTube के बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।